गुड इवनिंग सर। या गुड इवनिंग टू ऑल। बेटा ये वाला क्वेश्चन बाकी था ना सॉल्व करवाना यहाँ से। यस सर। यस सर। ओके अब सुनो, मैंने आपको बेटा वो लास्ट रूल सिखाया था ए ए एस का, एंगल एंगल साइड का, राइट? यस सर। अब देखो यहां हमें प्रूव क्या करना है, सी डी बाइसेक्ट ए बी, मतलब सिंपली वी हैव टू प्रूव बी ओ इज इक्वल टू ओ ए। बेटा आपने फिगर ड्रॉ करके ये सब लिख दिया कि बाकी है किसी का? यस सर, लिख दिया। ओके सर, कंप्लीटेड। ओके सो सी बेसिकली वी हैव टू प्रूव टू ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट। कौन से ट्राइंगल? दिस बी ओ सी एंड ए ओ डी। सो अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए, सो वी कैन प्रूव दैट बी ओ इज इक्वल टू ओ ए। सो लेट मी स्टार्ट। फॉर ट्राइंगल बी ओ सी एंड ट्राइंगल ए ओ डी, देखो ऑलरेडी इसका ए डी और उसका बी सी, इसका ए डी और उसका बी सी दोनों इक्वल है। सो ए डी इज इक्वल टू बी सी गिवन। फिर ये दो ट्राइंगल सॉरी एंगल, कौन से रूल के हिसाब से बेटा ये दो एंगल्स इक्वल होंगे? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। यस, सो एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू एंगल ए ओ डी। और ये दो एंगल्स हो, ये राइट एंगल है और ये राइट एंगल है, ओ ए ओ बी सी और ओ ए डी, बिकॉज बोथ आर राइट एंगल्स। So as per angle angle side rule, triangle BOC is congruent to triangle AOB, and we can say BO is equal to AO likho ya OA likho, dono chalega. Hence, लिख दो बेटा। Completed. Completed, sir. Sir, done. Done बेटा सबका। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन का फिगर ड्रॉ कर दो, एक मिनट आप लोग गिवन और टू प्रूफ का स्पेस रख के फिगर ड्रॉ कर दो, मैं लिखवाई देता हूं गिवन और टू प्रूफ। देखो गिवन एल एम एम आर टू पैरेलल लाइंस, तो डायरेक्टली मैं ऐसा लिख सकता हूं एल इज पैरेलल टू एम एंड
intersected by the another parallel lines P and Q. So P is also parallel to Q. And we have to prove triangle ABC is congruent to triangle CDA. इतना लिख के उसके नीचे फिगर ड्रॉ कर दो बेटा, फिर मैं एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करता हूँ. और फिगर ऑलवेज पेंसिल से ड्रॉ करना, पेंसिल एंड स्केल बोथ. प्रथम अनम्यूट योरसेल्फ. प्रथम परिक. यस सर. बेटा मैंने आपको मैसेज किया था ना, बोला था ना कि पापा को बोलना मुझे कॉल करे. हाँ सर, मैंने पापा तो बोला था, लेकिन अभी पापा ने छोड़ दिया था, वो नहीं पता. आज फिर से एक बार बोल दूँगा. हाँ हाँ, फिर से बोल दूँगा आज. हाँ ओके बेटा, किया ड्रॉ फिगर सबने? सर यस सर. सर मेरी मम्मी से बात कर रहे हैं. हाँ ठीक है, मम्मी को. मम्मी घर पे है. हाँ अभी नहीं, लेक्चर के बाद बोलना, कॉल करें. ओके सर. ओके ओके ओके. सो नाउ लिसन, एल एंड एम आर टू पैरेलल लाइंस. तो देखो पहले मैं आपको फिगर समझा देता हूँ बेटा. ये एल और एम पैरेलल लाइंस है, इंटरसेक्टेड बाय अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस पी एंड क्यू. सो ये पी एंड क्यू भी पैरेलल लाइंस है, और हमें दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है. ट्राइंगल एबीसी, देखो एक तो ट्राइंगल एबीसी ये वाला, और दूसरा ट्राइंगल है सीडीए. सीडी ए, ये दोनों ट्राइंगल्स को आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं. देखो अगेन आई एम रिपीटिंग, कोई भी दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना हो, सो सबसे पहले आपको क्या करने का, वो सोच लेने का कि ऑलरेडी इसमें इक्वल क्या है. तो देखो एक चीज तो हमें क्लियर कट इक्वल दिख रही है, बताओ मुझे वो क्या है. लाइन ए सी कॉमन है, तो वो एक लाइन था, दोनों में हो गई कॉमन. अब हमारे पास ये दो पैरेलल लाइंस है. अब देखो मैं जो समझा ना वो ध्यान से समझना. दिस एल एंड एम आर पैरेलल लाइंस, तो ये पी और क्यू उसके ट्रांसवर्सल्स होंगे. देखो दो पैरेलल लाइंस हो तो ऐसे ये ट्रांसवर्सल होता है ना, पता है? यस सर. ओके अब देखो एल और एम पैरेलल लाइंस है, तो इसके हिसाब से मैं देखो अपने को ये ट्राइंगल है ना, जस्ट अ सेकंड है बेटा. हाँ नहीं वो ट्रांसवर्सल नहीं बेटा, मैं इसको ट्रांसवर्सल मानता हूँ. एसी आपको ट्रांसवर्सल दिख रहा है? देखो एसी. यस सर. यस सर. यस सर. ओके सो देखो एल इज पैरेलल टू एम और एसी उसका ट्रांसवर्सल हो जाएगा. मैं थोड़ा एसी को ना एक्सटेंड करता हूँ तो आपको ज्यादा पता चले, फिर मैं बाद में इरेज कर दूंगा, आपको समझाने के लिए एक्सटेंड करता हूं. तो देखो ये वाला एंगल और ये एंगल कौन से एंगल से बताओ? अल्टरनेट इंटीरियर. अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. एंड वी नो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर व्हाट? इक्वल. 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 मैं ऐसा क्यों बोल सकता हूँ इक्वल? बिकॉज लाइंस आर ऑलरेडी गिवन पैरेलल. सो अगर लाइंस पैरेलल है तो एंगल्स इक्वल होंगे. अब ये जो वाला एंगल है बेटा, ये वाले ट्राइंगल में आता है. कौन से में? सीडीए. और ये वाला एंगल कौन से ट्राइंगल में आता है? एबीसी. तो दोनों के एक एक एंगल्स इक्वल हो गए, देख लो बराबर. यस सर. क्लियर है? अब सुनो,
अब मैं पैरेलल लाइंस चेंज करता हूं, देखो पी और क्यू पैरेलल है, ऐसा है, देखो ये पी और ये क्यू पैरेलल है, और अगेन इस केस में भी मैं एसी को ट्रांसवर्सल ही मानता हूं। तो अभी एक मिनट है बेटा, एसी ट्रांसवर्सल हो जाएगा पी और क्यू, तो देखो ये एंगल और ये एंगल दिख रहा है। यस सर। यस सर। यस सर। देखो पी और क्यू पैरेलल है, देखो मैं यहां पर आपको बताऊं ना तो ज्यादा पता चलेगा, इसको मान लो पी और इसको मान लो क्यू और ये हो जाएगा एसी, और मैं जो ट्रायंगल बताना चाह रहा हूं ये वाले ट्रायंगल एंगल्स, ठीक है ना बेटा, पता चला? यस सर। यस सर। एंगल्स है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो अभी ये एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे, यस और नो? यस सर। यस सर। अब ये दो वाले एंगल्स ऑब्जर्व करोगे तो उसमें से एक एंगल ट्राइंगल एबीसी में है और दूसरा एंगल ट्राइंगल सीडीए में है, राइट? यस सर। यस सर। सो दोनों ट्राइंगल्स में वी हैव प्रूव्ड टू एंगल्स आर इक्वल एंड वन साइड इज इक्वल, और वो साइड देखो इंक्लूडेड साइड है या नहीं है, देख के आंसर दो। इंक्लूडेड साइड है ना, देखो साइड और एंगल, सो कौन से रूल के हिसाब से ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे? ASA, साइड एंगल। क्लियर बेटा सबको? Yes, sir. So, अभी एक मिनट है बेटा, मैं ये सब इरेज कर दूं। We'll start proof. अब स्टार्ट करो बेटा लिखना proof. For triangle ABC and triangle CDA. एक तो हमने दो एक लाइन पैरेलल प्रूव की थी, कौन सा? AC is equal to AC. Common. फिर हमने ये दो एंगल्स को इक्वल प्रूव किए थे. ये वाला एंगल होगा ACB। सर बोलो बेटा। सर स्कूल में तो ऐसा सीखा है कि हमें AC is equal to CA नहीं होगा, क्योंकि हम लोग ट्राइंगल्स को देखने चाहे तो उसके हिसाब से वैल्यू रखने की, ऐसा हमें स्कूल में बताया। नहीं बेटा, ट्राइंगल ABC है, ट्राइंगल ABC लिया है आपने एंड CDA लिया है, तो A के पहले इधर C है तो हमें C और C की जगह A है तो हमें CA नहीं लिख सकते। मैं बोलूं? यस सर। ओके, एसी इज इक्वल टू सीए, देखो ऐसा होता है, वैसे एक्चुअली ये होता है एसी और यहाँ पर सीए है, बट अगर आप एसी इज इक्वल टू एसी लिखोगे तो आपको गलत नहीं मिलेगा, जो आपको स्कूल में बताया दैट वाज राइट, बट अगर आप एसी इज इक्वल टू एसी लिखोगे, क्यों नहीं गलत है वो भी मैं समझाता हूँ बेटा, क्योंकि एसी लिखो या सीए लिखो, अब जैसे ये लाइन आपको एसी लाइन दिख रही है तो आप एसी भी उसको बोल सकते हो और आपको आप उसको सीए भी बोल सकते हो, बोलो यस और नो? यस सर। राइट, टेक्निकली जो आपने बोला दैट इज फाइन कि यहाँ का एसी है और वहां का सीए है, क्योंकि ये चीज भी मुझे अभी ये सम के बाद समझा नहीं कि वो करस्पोंडेंस जो होता है वो मुझे समझाना है, बट अगर आप एसी इज इक्वल टू एसी लिखोगे तो चलेगा, कोई इश्यू नहीं है बेटा। स्कूल में बोला कि हम लोग ऐसा लिखेंगे तो हमें रॉन्ग मिल जाएगा, मैम ने बोला कि करेस्पोंडेंस के हिसाब से लिखना है। ओके, नहीं तो चलेगा बेटा, आप स्कूल में जैसा मैडम ने बोला है वैसे फॉलो करो, नो इश्यू, बट दिस इज नॉट रॉन्ग, नो प्रॉब्लम। ओके सर। देखो अभी ये दो एंगल्स बी सी ए
is equal to angle DAC. अब ऐसा इसलिए है बिकॉज ये दोनों एंगल्स कौन से होंगे, को इंटीरियर एंगल्स, और को इंटीरियर एंगल्स इक्वल इसलिए है बिकॉज इसकी जो दो पैरेलल लाइंस है दैट इज एल एंड एम, एल इज पैरेलल टू एम. सर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है. अरे हाँ हाँ, को इंटीरियर नहीं, सॉरी सॉरी, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. एक सेकंड है, आएगा नहीं था. ये समझ जाना बेटा, अल्टरनेट है, मेरे पास स्पेस नहीं है तो अल्टरनेट लिखा हुआ है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. यस सर. फिर देखो ये वाले एंगल्स जो हमने इक्वल प्रूव किए थे, सो ये हो जाएगा बीएसी, और ये हो जाएगा DCA. अगेन सेम, और ये कौन से दो पैरेलल लाइंस का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, पी एंड क्यू. पी एंड क्यू. So as per angle, side angle congruence rule, triangle ABC is congruent to triangle CDA. किसी को कोई डाउट है बेटा? नो सर. नो सर. कंप्लीटेड? यस यस सर. ओके, अब सी, लाइन एल इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड बी इज एनी पॉइंट ऑन एल. बीपी एंड बीक्यू आर परपेंडिकुलर्स फ्रॉम बी टू द आर्म्स ऑफ एंगल ए, शो दैट. सो पहले मैं जो गिवन है वो लिख देता हूं फिर एक्सप्लेन करता हूं. एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, तो डायरेक्टली पहले तो वो ही लिख दो. L is the bisector of angle A. This is one. B is point on L. वो नहीं लिखोगे तो चलेगा. BP and BP, BQ are perpendiculars from B to the arms of A. तो देखो ये BP perpendicular है और BQ is also perpendicular. तो ये लाइन सेम ही लिख देना चलेगा.
बराबर टू प्रूव फर्स्ट क्या प्रूव करना है ट्राइंगल एपीबी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एक्यूबी एंड सेकेंड बीपी इज इक्वल टू बीक्यू। देखो यहां पर ऐसा लिखा ना बी इज द इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एंगल ए तो वो नहीं लिखो बिकॉज दोनों का मतलब सेम ही होता है। चाहे बीपी इज इक्वल टू बी क्यू लिखो या बी इक्वल डिस्टेंस पे है सेम ही होगा। इतना लिख दो बेटा सर कंप्लीटेड सर। ओके अब देखो मैं आपको समझाता हूं बेटा। मैं ये मेरा स्क्रीन साइज कम ज्यादा हो रहा है मैं जो कर रहा हूं मुझे जस्ट आंसर देना दो जो स्क्रीन पे मैं दिख रहा हूं। ओके ठीक है अब देखो लाइन एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए तो देखो ये एल एंगल ए का बाइसेक्टर है तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। देख लो छोटे छोटे एंगल दिख रहे हैं आपको। यस सर। बीपी एंड बीक्यू आर परपेंडिकुलर्स फ्रॉम बी टू द आर्म्स ऑफ एंगल ए तो ये दोनों एंगल्स क्या है राइट एंगल राइट। यस सर। नाउ हमें प्रूव क्या करना है ट्राइंगल एपीबी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एक्यूबी। एपीबी और एक्यूबी कॉन्ग्रुएंट है एपीबी और एक्यूबी मैं पहले ड्रॉ कर देता हूं बेटा। देखो ये एपीबी और दूसरा है एक्यूबी। अब बताओ ये दोनों ट्राइंगल्स में ऑलरेडी क्या चीजें इक्वल दी हुई है AB कॉमन है। ओके फिर BQA is equals to BA सर APB एंगल प्लस ABQ AQB। देखो ये दोनों एंगल्स भी इक्वल है बराबर राइट एंगल है दोनों। यस सर। यस और फिर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल है बराबर। यस यस सर। Yes, sir. तो बोलो congruent proof हो जाएंगे कौन से रूल के हिसाब से AAS AAS yes first sir इसमें बोलो बोलो first sir इसमें वो उसे मतलब जो angle दिया है तो एक angle और एक side तो joint है तो दूसरी कहीं है तो चलेगा। क्या पूछ रहे हो बेटा मुझे पता नहीं चला फिर से पूछो question। मतलब सर वो एक दूसरे के मतलब जॉइंट होने चाहिए तो जो एंगल ए क्यू बी है वो इस साइड में होगा तो ही कंसीडर होगा ना। आप क्या बोल रहे हो मुझे कुछ पता ही नहीं चल रहा है। आप एंगल की बात कर रहे हो क्या साइड की बात कर रहे हो। एंगल और साइड दोनों की बात कर रहे हो तो क्या होना चाहिए मतलब मैं मतलब आप ऐसा बोल रहे हो कि वो साइड एंगल्स के बीच में नहीं है ऐसा बोल रहे हो। यस सर। बट बेटा वो एंगल साइड के बीच में हो तो वो तो ए एस ए होता है ना। मैंने हमने कौन सा बोला ये सबने ए एस बोला ये दोनों में डिफरेंस क्या है बताओ ए एस ए और ए एस में। पहले वाले में साइड कंसीडरेशन में है मतलब दो एंगल्स के बीच में और दूसरे वाले में साइड अलग है। हाँ तो बेटा ये दूसरे वाले के हिसाब से होगा ना प्रूफ फर्स्ट वाले के हिसाब से नहीं होगा बट दूसरे वाले के हिसाब से तो होगा ना। देखो यस सर। राइट देखो
इतना सारा आपने समझाया, मैंने एक टेक्निकल वर्ड समझाया कि दिस इज कॉल्ड इंक्लूडेड साइड, दो एंगल्स के बीच वाला साइड, और दैट इज कॉल्ड इंक्लूडेड साइड। तो यहाँ पर साइड इंक्लूडेड नहीं है, सो वी कैन नॉट अप्लाई ए एस ए, बट वी कैन अप्लाई ए एस व्हेन द साइड इज नॉट इंक्लूडेड। गॉट इट? यस सर। ओके बेटा, ठीक है बेटा, तो मैं प्रूफ लिख देता हूँ। प्रूफ, आप भी लिखना स्टार्ट कर ही दो क्योंकि बहुत इजी है। फॉर ट्राइंगल एपीबी एंड ट्राइंगल एक्यूबी, देखो एक तो ये वाला एंगल, एंगल एक एपीबी इज इक्वल टू एंगल एक्यूबी, बिकॉज ये दोनों कैसे एंगल्स है, राइट एंगल्स। फिर एंगल क्यू पी ए बी इज इक्वल टू एंगल ए क्यू, पी ए बी क्यू ए बी, ये क्यू इक्वल है बिकॉज एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। और दोनों में एक लाइन कॉमन है, ए बी इज इक्वल टू ए बी। दुर्वा देखो बेटा, यहां पर दोनों कॉरेस्पोंडेंस भी सेम है, देखा? यस सर। ओके, तो यहां ए बी इज इक्वल टू ए बी ही लिखना। So as per angle side congruence rule, triangle APB is congruent to triangle AQB. और दूसरा प्रूव करना है BP और BQ। तो देखो ये BP और BQ एज पर CPCD दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल। लिख दिया बेटा सबने? यस सर। ओके, ओके, इसमें बेटा गिवन लिखवा देता हूं पहले। AC इज इक्वल टू AE
AB is equal to AD and angle BAD is equal to angle EAC. Or to prove BC is equal to DE. इतना लिख के बेटा फिगर ड्रॉ कर दो. कंप्लीटेड सर. डन बेटा सबका? यस सर. ओके, अब ये वाला प्रूफ कर सिखाने के लिए मुझे एक चीज आपको सिखानी है. मैं अलग से आपको पहले वो सिखा देता हूं. देखो यहां पर तीन एंगल्स मैंने ड्रॉ किए हैं, 1, 2 and 3. दिख रहा है बेटा सबको? यस सर. ओके, अब मैं आपको ऐसा बोलूं कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, तो इसके बेसिस पर मैं ऐसा बोल सकता हूं देयरफॉर एंगल 1 प्लस 2 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस 2. यस यस श्योर? यस सर. ओके, मतलब देखो अगर मैं आपको ऐसा बोलूं एंगल बीएसी is equal to angle EAD. ये मैंने क्या लिखा, angle 1 is equal to angle 3. तो उसके basis पर मैं ऐसा बोल सकता हूं therefore angle BAD is equal to EAC. देखो पता चला बेटा? Yes sir. Yes sir. Yes sir. देखो BAD और EAC इक्वल क्यों होगा? द रीजन बीइंग बिकॉज़ BAD दो एंगल से बनता है, 1 से और 2 से, और EAC में भी दो एंगल है, एक 2 एंड 3 या 3 एंड 2. और देखो दोनों में एक एक एंगल्स तो कॉमन है और बाकी बचे एंगल्स ऑलरेडी दोनों में क्या है, इक्वल. सो कोई भी दो एंगल से बनते हो जिसमें एक एक एंगल कॉमन हो और जो दूसरा एंगल बच गया वो अगर ऑलरेडी इक्वल आप प्रूव कर दो तो वो जो ओरिजिनल एंगल्स है वो क्या हो जाएंगे, इक्वल. ये कॉन्सेप्ट पता चला बेटा आपको सबको? यस सर. यस. ओके, नाउ कम टू दिस. देखो अब इसमें AC is equal to AE ऐसा ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो देखो ये है AC और ये AE, ये आपस में इक्वल है. ठीक है, वो तो साइन लिखी हुई है तो आई डोंट थिंक मुझे कुछ ड्रॉ करना है. AC और AE इक्वल है तो ये AC और AE इक्वल है. ठीक है, फिर दूसरा AB और AD इक्वल है, AB इक्वल है और AD इक्वल है, और हमें प्रूव क्या करना है, सॉरी BAD और EAC भी इक्वल है, BAD ये वाला एंगल और EAC ये वाला एंगल, एंड वी नीड टू प्रूव दैट BC इज इक्वल टू DE.
बीसी मतलब ये वाली साइड, और उसको किसके साथ इक्वल प्रूव करना है, डीई के साथ। पता चला ना मैंने किसको किसके साथ इक्वल प्रूव करना है? Yes, sir. देखो अगेन सेम रूल, आपको दो साइड्स इक्वल प्रूव करनी है, बट आपको दो साइड्स इक्वल प्रूव नहीं करना है, वो दो साइड्स जो दो ट्राइंगल्स की साइड है वो ट्राइंगल्स को आपस में हम क्या प्रूव कर दे, कॉन्ग्रुएंट। तो देखो कौन से दो ट्राइंगल्स को मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव करूंगा, सी एक तो ये दिख रहा है एडी दिख रहा है बेटा, उसमें डीई आ जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. And second one is this AB, ABC. उसमें BC आ जाएगा, बराबर? Yes, sir. Yes, sir. अब अपने चेक करते हैं कि ABC और AD उसमें ऑलरेडी इक्वल है क्या। तो ध्यान से देखना, एबीसी में एसी है, देखो ब्लैक वाला देखा। Yes, sir. तो yes, sir. और एडी